आज हम क्लास 8 से रन थ्रू एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करें। तो चलो गाइज लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट पोर्शन लेते हैं। देखो फर्स्ट पोर्शन में आपको क्या दिया है, 13 दी पावर -2, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में स्टडी किया था कि जब a दी पावर माइनस m होता है तो हम इसको लिख सकते 1/a^m, ठीक है। तो देयरफॉर 13 दी पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/13 दी पावर +2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 1/13 दी पावर 2 है तो 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 13 × 13। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1/13 को 13 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 169 आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ओके। अब देखो ऐसे ही आपको बी पोर्शन को करना है, सेम ही है। हमारे पास -4 दी पावर -6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/-4 की पावर +6। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/-4 की पावर कितनी है, 6 है तो 6 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, -4 × -4 − 4 − 4 − 4 × −4। अब देखो जब माइनस की पावर इवन नंबर होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव, और जब माइनस की पावर ओड होती है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं कि व्हेन माइनस की पावर जब इवन होती है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, और जब माइनस की पावर ओड नंबर होता है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, नेगेटिव। तो यहां माइनस की पावर क्या है, इवन है तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा। तो 1/4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 256, वो भी प्लस का, ठीक है। तो ये आपका बी पोर्शन कंप्लीट। अब हम सी को लेते हैं। देखो सी पोर्शन में आपको क्या दिया है, 3/4 इसकी पावर -5। अब लो ऑफ एक्सपोनेंट में इसको भी हमने पढ़ा था कि जब a/b की पावर -m होता है तो इसको हम लिख सकते हैं b/a और इसकी पावर +m, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो तो 3/4 की पावर -5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 और इसकी पावर +5, ठीक है। अब 4/3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4/3 × 4/3 × 4/3 × 4/3 × 4/3। देखो जब 4 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1024। और जब हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 243, ठीक है। तो ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। अब हम डी पोर्शन को लेते हैं। देखो डी पोर्शन को मैं इधर कर देता हूं, इसको आप नोट करें। डी पोर्शन में हमें क्या दिया है, सी के जैसा ही है ये भी। डी में हमें दिया है -12/5 और इसकी पावर -3। तो ये इस फॉर्मेट में है तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/-12 और इसकी पावर हो जाएगी +3। अब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5/-12 × 5/-12 × 5/-12, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आएगा 125। और जब हम माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो -×-++ × - तो आपका आ जाएगा माइनस, तो ये मैं बाहर ही लगा देता हूं।
12 को 12 के साथ करेंगे तो 144, और 12 के साथ करेंगे 144 को तो आपके पास आएगा 1728। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, अब हम लास्ट पोर्शन ई को लेते हैं। इजी है ये तो। ई में आपको दिया है -5/7 और इसकी पावर क्या है 0 और इसकी होल पावर -4। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमें पता है, वी नो दैट जब ए दी पावर 0 होती है तो इसके इक्वल क्या होगा 1। लेकिन कंडीशन क्या है स्टूडेंट कि ये जो आपका ए है ना ए, इसके इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब -5/7 की पावर 0 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1, और इसकी पावर क्या है -4। 1 की पावर -4 है तो एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 1/1 की पावर +4। ठीक है, तो 1 की पावर तो हम +4 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/1 क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन को लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन में आपको दिया है 1,34,576। इस नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पॉइंट लगाएंगे और उसके आगे जीरो लिखेंगे। देखो पॉइंट जीरो लगाने से इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके लेफ्ट साइड में आना है। लेफ्ट साइड में जो यूनिट पैलेस पर डिजिट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यूनिट पैलेस पे क्या है आपका 1, तो इस 1 को हम बोलते हैं लीडिंग डिजिट। 1 क्या है आपका लीडिंग डिजिट, और आपको याद रखना है लीडिंग डिजिट आपकी 0 नहीं होती है। ठीक है, अब हमें लीडिंग डिजिट को लिखना है और उसके बाद डेसिमल लगाना है। ठीक है, फिर जो भी आपकी डिजिट है उसको लिख दो 3, 4, 5, 7, 6 और इनटू में लिखेंगे 10। अब आपको इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में आना है और डिजिट को काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी +5। याद रखना है डेसिमल के लेफ्ट साइड में चलेंगे तो 10 की पावर क्या होगी पॉजिटिव, और लेफ्ट से राइट साइड में चलते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। अब हम बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में आपको दिया है 218 और 6×0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 6×8 5× 6 हो गया, आपको डेसिमल लगाना है, एक जीरो लिखना है। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट साइड में आएंगे और लीडिंग डिजिट को सेलेक्ट करेंगे, लीडिंग डिजिट है इसकी 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, उसके आगे डिजिट है उसको लिखेंगे 1 और 8 है, और इनटू में आप 10 लिखेंगे। अब इस डेसिमल के बाद आप डिजिट काउंट करेंगे, 6 तो आपकी 0 है, 6, 7 और 8, तो ये हो जाएगा 10^+8। ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। क्लियर, अब हम आते हैं सी पोर्शन पे। सी पोर्शन में है 0.00005×0 है 654। अब इसमें डेसिमल पहले से लगा हुआ है, आपको क्या करना है, सिर्फ लीडिंग डिजिट लेनी है लेफ्ट साइड से। तो देखो लेफ्ट साइड से बाकी तो सब 0 है, ये आपका 6 है तो आपको 6 लिखना है, फिर आपको डेसिमल लगाना है और उसके आगे कितनी डिजिट है उसको लिखना है 54, तो उसको लिख दो, और अब लिखेंगे इनटू में 10। अब ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद हम राइट साइड में चल रहे हैं। ठीक है, कितनी डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट साइड में चलेंगे तो मैंने बताया था कि 10 की पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो 10 की पावर -6। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। अब हम लेते हैं डी पोर्शन को।
डी पोर्शन में दिया 0.0002717, डेसिमल पहले से लगा हुआ है, आपको लीडिंग डिजिट लेनी है तो ये आपका आ गया 2, ठीक है 2 पॉइंट, इसके आगे जो भी डिजिट है उसको लिख दो 717 और इनटू में 10, इसकी पावर माइनस में आएंगी कितनी 1, 2, 3, 4 और इसको काउंट करना है 5, तो 10 की पावर -5, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में बड़े इजी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने स्टडी किया था कि जब ए दी पावर एम और इसकी होल पावर एन होती है तो इसको हम लिख सकते हैं ए दी पावर एम इंटू एन, ठीक है। अब इस -3/8 को मैं ए कंसिडर कर लेता हूं, 4 को एम और -2 को एन। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3/8, ये तो हो गया आपका ए और इसकी पावर एम, एम है 4 इंटू में एन -2, ठीक है, और इसकी होल पावर है -6, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -3/8 इसकी पावर क्या हो जाएगी -8 और इसकी होल पावर देखो -6। फिर से देखो -3/8 है ये हो गया a और -8m और -6 आपका m, तो इसको अब मैं लिख सकता हूं -3/8 और इसकी पावर क्या होगी -8 × -6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3/8 और इसकी होल पावर क्या होगी -8 × -6 प्लस का 48, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ओके गाइस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। देखो 4 में आपको क्या दिया है, 3 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और प्लस में 2/3 और इसकी पावर -1। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमें पता है कि जब a की पावर माइनस m होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m, एंड जब a/b और इसकी पावर माइनस m होता है तो इसको हम लिख देंगे b/a और इसकी पावर प्लस m, ठीक है। सो 3 की पावर -1 को मैं लिख सकता हूं 1/3 प्लस 5 की पावर -1 को लिखूंगा 1/5 प्लस इसको हम क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो 3/2 और इसकी पावर 1 तो 3/2 ही होगा, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, देखो 3, 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 30, ठीक है। अब 30 में 3 का डिवाइड 10 टाइम, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 30 में 5 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 6 × 1 आपका 6 प्लस 30 में 2 का डिवाइड 15 टाइम, 15 × 3 = 45। अब 10 प्लस 6 16 और 45 61/30, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, By what number should -3^-2 be multiplied so that the product becomes 6^-1? क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 6^-1, ठीक है। तो उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, इस नंबर का इसका मल्टीप्लाई दैट इज x × -3^-2, इन दो का मल्टीप्लाई
किसके इक्वल आता है, 6 की पावर -1। ठीक है, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये नंबर इसके डिवाइड में आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू आएगा 6 की पावर -1 अपॉन -3 की पावर -2। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमें पता है कि जब ए दी पावर माइनस एम होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए दी पावर प्लस एम। तो इस 6 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 6 अपॉन -3 दी पावर -2, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन -3 दी पावर प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x इज इक्वल टू ऊपर है 1/6 और ये जो है ना नीचे वाला ये ऊपर आ जाएगा, तो इंट में आएगा -3 दी पावर 2 और अपॉन में 1। अब देखो -3 दी पावर 2 का मतलब क्या हो गया, -3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में क्या है 6। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 3 से ये कट गया 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू आ गया 3/2। तो देखो जब इस नंबर को हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 6 दी पावर -1। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। इफ 5 अपॉन 12 दी पावर 3 इंटू 5 अपॉन 12 दी पावर -6 एक्स इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 दी पावर -12, देन हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 अपॉन 12 और इसकी पावर 3 इंटू 5 अपॉन 12 और इसकी पावर -6x इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 और इसकी पावर -12। ठीक है, अब यहां से देखो दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी एड। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमें पता है, सो वी नो दैट जब ए दी पावर एम इंटू ए दी पावर एन होता है तो हम लिख सकते हैं ए दी पावर एम प्लस एन। सो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 अपॉन 12 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 3 प्लस -6x इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 और इसकी पावर -12। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोनों का बेस क्या है, देखो यहां सेम है और इक्वल में है, दोनों का बेस सेम है और इक्वल में है तो उनकी पावर्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो इन पावर्स को मैं इक्वल रख सकता हूं, सो 3 प्लस -6x इज इक्वल टू -12। अब इस -6x को इधर शिफ्ट कर देंगे, -12 को इस साइड, तो 3 -12 इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा और 6x इधर आएगा तो प्लस का बनेगा। ठीक है, 12 प्लस 3 15 इज इक्वल टू 6x। x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 6 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 6। अब ये 3 से कट जाएगा 5 टाइम और ये आपका 2 टाइम, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 5 अपॉन 2। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइड 49 इज इक्वल टू 343। ठीक है, अब मैं 49 को देखो क्या लिख सकता हूं, 7 की पावर 2, 7 × 7 ही होगा, और 343 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। सो 7 की पावर 2x प्लस 1 डिवाइड 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 7 की पावर 3। ठीक है, अब देखो दोनों का बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, सब्ट्रैक्ट। सो वी नो दैट जब ए दी पावर एम डिवाइड ए दी पावर एन होता है तो इसको हम लिख सकते हैं ए दी पावर एम माइनस एन। ओके,
तो देयरफॉर अब हमारे पास क्या आएगा, 7 की पावर m, m बोले तो 2x प्लस 1 माइनस n दैट इज माइनस 2 और इज इक्वल टू 7 की पावर 3। अब इसको सोल्व कर लो, 7 की पावर 2x, ये 1 प्लस का ये माइनस का तो माइनस का 1 बचेगा, इज इक्वल टू 7 की पावर 3। अब देखो दोनों का बेस सेम है, इक्वल में भी है, बेस सेम है इक्वल है तो पावर्स भी क्या होंगी इसकी इक्वल, तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो 2x के इक्वल में 3 प्लस 1 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम तो x के इक्वल में आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।